नमस्कार, NIOS के योग अभ्यास श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम सर्वांगासन करना सीखेंगे। सर्वांगासन की विधि, लाभ और उसके जो भी सावधानियां हमें रखनी है वो सीखेंगे। सर्वांगासन के साथ साथ ही हम हलासन भी सीखेंगे और उसके भी लाभ और सावधानियों को मैं बताऊंगी। और लास्ट में हम इसके काउंटर पोज, सेतु बंधासन, ब्रिज पोज को सीखेंगे। सर्वांगासन को शोल्डर स्टैंड भी बोलते हैं। तो शुरू करें सर्वांगासन का अभ्यास। सबसे पहले आप पीठ के बल लेटेंगे सर्वांगासन के अभ्यास के लिए। सीधा लेटेंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर की ओर 90 डिग्री पे, और फिर इसे धीरे धीरे अपने सिर की ओर, अपने हाथ से अपने बैक को सपोर्ट करेंगे। इस तरह से संभालना है दोनों पैर ऊपर। थोड़ी देर अपने शरीर को इस पोजीशन में सेटल होने दीजिए, संभल ले दीजिए, फिर अपने घुटने को मोड़ें। और एकदम सीधा अभी तक तो हमने सीखा कैसे करना है, इसकी विधि सीख ली। अब हमें ये देखना है कि इनके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम सर्वांग आसन के लाभ और उसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है उस पे बात करेंगे, उसे सीखेंगे। सर्वांग आसन के बहुत सारे लाभ हैं। सर्वांग आसन शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं को बेहतर बनाने में सहायता करती है। दिमाग एवं नर्वस सिस्टम को शांत रखता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और चिंता को दूर कर मन को शांति प्रदान करता है। इस आसन को करते समय गले की ओर अधिक रक्त का प्रवाह होता है, जिससे हमारे थायराइड ग्लैंड के विकार जो हैं, इसकी जो बीमारियां हैं वो खत्म होती है। इस आसन के अभ्यास से थायराइड और पैराथायराइड जैसे ग्रंथियों को उचित रूप से पोषक तत्व मिल जाता है, जो रक्त के द्वारा मिल जाता है, और इससे हमें थायराइड की समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। सर्वांगासन में अधिक रक्त मस्तिष्क की ओर जाता है, जो उसका पोषण करता है। सो मस्तिष्क के लिए भी सर्वांगासन अच्छा है। दिल की मांसपेशियों की को सक्रिय करता है और शुद्ध रक्त को दिल तक पहुंचाता है, जिससे कि ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा आसन है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जो हमारे शरीर में आजकल के जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके कारण हो जाती हैं, उनमें अस्थमा, डायबिटीज़, लिवर, इन सभी बीमारियों में जो सर्वांगासन है वो बहुत ही लाभदायक होता है। सो इनके मरीजों को सर्वांगासन का अभ्यास करना चाहिए। और यह त्वचा को बहुत ही सुंदर बनाता है, त्वचा की झुर्रियों को नहीं पड़ने देता और त्वचा को चमकदार रखता है। जैसे कि हम देखें कि ये पूरा, जब हम सर्वांग आसन में होते हैं तो हमारा पूरा पैर ऊपर सीधा होता है। ऐसे में ये पूरा वेट हमारा जो है, हमारे शरीर का भार कंधे और हाथों पर पड़ता है, तो इससे हमारे हाथ और कंधे काफ़ी मजबूत होते हैं और पीठ को ये लचीला भी बनाता है। यह हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों को गिरने से रोकता है। हमारे नेत्रों के लिए अच्छा है, उसकी दृष्टि बढ़ाता है और नेत्र के कुछ प्रॉब्लम्स भी ये दूर करता है। यह हमारे वेट लॉस के लिए, वजन को नियंत्रित करने में भी बहुत ही अच्छा होता है और इससे कब्ज से छुटकारा पाया जा सकता है।
जिनके पैरों में नीले रंग के नसों का उभार होता है जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं, उसके उपचार में भी सर्वांगासन बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब हम पैर ऊपर करते हैं तो पैरों के सारे रक्त हमारे ऊपरी शरीर की ओर आ जाते हैं और इस तरह से वेरिकोज वेन पे रक्त का जो प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर, वो कम होता है जिससे उन्हें आराम मिलता है। पर इन सब के साथ साथ हमें सर्वांगासन में कुछ सावधानियां करनी चाहिए। सभी लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं, तो देखें कौन कौन इसे ना करें या सावधानी से करें। यदि आपको कोई भी जो हम आगे बात करने वाले हैं उनमें से कोई भी बीमारी है तो आप पहले डॉक्टर से परामर्श करें, या फिर कोई भी स्थिति है बीमारी ना होके, जैसे गर्भावस्था एक स्थिति है, उसमें भी आप पहले डॉक्टर से बात करें। 3 महीने तक शायद आप कर भी पाएंगे, लेकिन उसके बाद गर्भावस्था में या जब पीरियड्स हो रहे हैं उस समय सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के समय कोई भी इन्वर्जन का पोज जिसमें हम पैर को ऊपर करते हैं नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है, जिसे उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, हृदय रोग है, तो हम सर्वांगासन नहीं करते हैं। ग्लूकोमा जो एक आँखों की बीमारी है उसकी, वो भी अगर हमें है तो हम सर्वांगासन ना करें। उसके अलावा स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम में स्पॉन्डिलाइटिस, जब आपके कंधे में दर्द हो, कंधे के पीछे दर्द हो, तो ये आसन नहीं करते हैं। थायराइड के लिए ये आसन बहुत अच्छा है, लेकिन जब हमें कोई गंभीर थायराइड की बीमारी है ऐसे केस में ये आसन नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर सर्वांग आसन करते समय जमाई आए या छींक आने लगे तो अपना पैर तुरंत नीचे करना चाहिए, नहीं तो गले में, सीने में या कानों में दर्द हो सकता है। तो इसका ज़रा ध्यान रखना चाहिए जब आप सर्वांग आसन में हैं। और बहुत लोग जो सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है जो आसानी से शुरुआत में नहीं कर पाते, तो पैर को ऊपर उठाना और पूरा बटक को उठाना इतना आसान नहीं होता, लोगों को हैवी लगता है, भारी लगता है। तो ऐसे में आप कमर के नीचे तकिया लगाकर इस आसन को आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी आपका शरीर इसके लिए तैयार हो जाएगा तो आप आराम से इसे कर पाएंगे। धन्यवाद।